आज का दिन मनाया जा रहा है, खास 12 फरवरी महिलाओं की विज्ञान में भागीदारी। ये दुनिया के 200 से ज़्यादा देश है, उन देशों के अंदर इसका अलग अलग प्रकार से महत्व हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो खास महत्व है। हमारी तो समूची संस्कृति मात्र संस्कृति मात्र सत्ता पर आधारित संस्कृति है, इसलिए देश के लिए भी दुनिया के 200 से ज़्यादा देश वो हमेशा अपने देश वो मात्र रूप नहीं देखते, अमेरिका इंग्लैंड बड़े बड़े देश ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारे लिए हम कहते हैं भारत माता की। ये जो हमारी मात्र संस्था को शक्ति को नमन करने का जो भाव है। अब ज्ञान की बात करें कि महिलाओं का विज्ञान के प्रति, तो हमारे यहाँ तो ज्ञान की देवी कौन है? लक्ष्मी। धन की देवी कौन है? तो नई तकनीक के साथ धन और लक्ष्मी दो ही जुड़ जाए तो बच क्या संसार में, इसके अलावा कुछ होता है क्या? और हमने अपना वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो जिनने आदिवासी अंचल की बहन द्रौपदी मुर्मू को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ता दी और देश की प्रथम नागरिक बना के उनने दुनिया को संदेश देने का प्रयास किया। माता बहनों की और खास करके ट्राइबल क्षेत्र से आए हुई बहनों की क्या उनकी अपनी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति में होती और माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी सत्ता उनके हाथों सौंपी। और उनकी विनम्रता भी देखो, जब उन प्रति बनाया जा रहा तो वो क्या कर रही थी? रिटायरमेंट के बाद अपने मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। लोकतंत्र की खूबसूरती है ये, हमको अपने लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में के साथ प्रधानमंत्री के लिए विशेष आदर हमारे मन में आता है। हमारे यहाँ बहन बेटियों का मान सम्मान बढ़ाना और खास करके ये बड़े बड़े पद केवल बड़े बड़े लोग नहीं, ये उन सबके लिए हो सकते हैं जो एक तरह से लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हैं। लेकिन अवसर तो देना पड़ेगा, मौका तो देना पड़ेगा। हम मौका नहीं और हम उम्मीद करेंगे कि वो आगे बढ़े तो बढ़ेंगे कैसे? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं यहाँ पर लगभग 12 आदिवासी जिलों की ITI पॉलिटेक्निक अध्ययनरत 1000 से ज्यादा बालिकाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित स्टैटिस्टिकल से संबंधित विषय प्रशिक्षण देना हो तो एक अग्रिपादन किया जा रहा। और मैं इसलिए भी आनंदित हूँ कि ये खास करके बहुत सारे हमारे पॉलिटेक्निक है ITI है और अलग अलग क्षेत्र की हैं जिनको यहाँ सम्मानित भी किया गया और MOU भी किया गया, जो भविष्य में उन्नत श्रेणी में हमारे ITI बने, उन्नत श्रेणी में हमारे तकनीकी रूप से जो महाविद्यालय जिसकी शिक्षा व्यवस्था सुधरे और उनका दोनों का ITI का और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन का पॉलिटेक्निक का भोपाल का ऐसे कई संस्थानों का। और मुझे इस बात की प्रचुर जानकारी देना चाहूँगा, मैं पिछले दिनों दिल्ली यात्रा पे जब था तो हमने IIT का सैटेलाइट कैंपस उज्जैन लाने का भी MOU किया है जिसके माध्यम से अपना उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का भी कैंपस और एक अलग रूप में जाना जाएगा। आज के इस दौर में ऐसी कई सारी चीजों को लेकर के बड़ी अनंत भावना वाला ये IIT का क्षेत्र है हमारा, खास करके तकनीकी रूप में इस दोनों तरह से इसको देखता हूँ कि आने वाले समय में जब विज्ञात कर रहे हैं तो विज्ञान के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो ध्यान दिया है क्षेत्रों में नई तकनीक को लेकर के निश्चित रूप से भौतिक संसाधन के साथ हमारे देश के अंदर दूरस्थ अंचल में भी गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव लाने में तकनीक कितनी दक्षता से अपनी सार्थकता सिद्ध करे। और माता बहन की स्थिति तो और ज्यादा आनंद की है, आपने अगर इस दिशा में कदम बढ़ाया तो निश्चित रूप से भारत की दशा बदलेगी, मध्य प्रदेश की दशा बदलेगी। मुझे पूरा भरोसा है आप सबके माध्यम से आपके मामले में जो कर सकता। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैंने विभाग से कहा है, हमने विभाग के जब मैं मुख्यमंत्री बना था 2-3 विभागों को खास तौर पर मैंने अपने नंबर 1 की प्रायोरिटी रखा, उसमें से हमारा एक टेक्निकल विभाग भी था जिसके आधार पर हमने कहा कि इस विभाग को जितना पर्याप्त ध्यान देने की गुंजाइश होना था उसमें थोड़ी कसर रह गई, लेकिन हमने कहा ये कसर पूरी करेंगे। निश्चित रूप से आपके साथ खड़े के हमारे सभी ITI सभी पॉलिटेक्निक सभी कॉलेज उनके अंदर थे वो सब भी करेंगे और खास करके बहनों की शिक्षा दीक्षा के साथ के लिए भी जो जो बन पाएगा वो जरूर करूंगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत माता की जय।